दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है एसएससी सीएचएसएल का 9 जुलाई 2019 में सेकंड शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अब बात करते हैं पाक जल संधि के बारे में, देख लेते हैं कुछ। पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका देशों के बीच स्थित है। पाक जल संधि पाक खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, भारत, पानी के ऐसे संकरे रास्ते को जो दो बड़े जल के समूह को जोड़ता है और उसमें से नौकाएं निकालकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में आ जा सकें, इसी को पाक जल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का BA विटामिन के से बनता है। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन दो थे जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि तो पिछले वीडियो में आपको बता नहीं पाया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। रक्त स्कंदन रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था से अर्ध ठोस जेल की अवस्था में चला जाता है और एक जमावड़ा या थक्कन बना लेता है। यह रक्त स्तंभन के लिए आवश्यक है जिसमें घाव लगी हुई किसी रक्त वाहिका से खून का बहाव रोका जाता है। स्कंदन के लिए रक्त के बीमाणु प्लेट प्लेट सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा करा जाता है। यदि स्कंदन ठीक से ना हो तो घाव से रक्त बहता रहता है जो प्राणी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यदि यह स्कंदन किसी मुख्य रक्त वाहिका में आकरण हो जाए तो रक्त बहाव को बाधित करता है। यह विकृत प्रक्रिया थ्रोम्बोसिस कहलाती है और यह भी हानिकारक या जानलेवा हो सकती है। ये आपका सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं? तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके विषय में भी जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया था। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2003 पेरिस एथलेटिक्स में किस भारतीय ने पदक जीता था? तो 2003 में पेरिस एथलेटिक्स में अंजू बॉबी जॉर्ज ने पदक जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज मलयालम, जन्म 19 अप्रैल 1977, एक भारतीय एथलीट हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। इस उपलब्धि के साथ वह पहली ऐसी भारतीय एथलीट बनी जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6.70 मीटर की छलांग लगाते हुए यह पदक जीता। 2005 में आईएमएफ विश्व एथलेटिक्स फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता। इस प्रदर्शन को वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानती हैं। यह आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। आयत की भुजा 11% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? आंसर इसका हो जाएगा 23.21%। यह आपका मैथ का क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि दो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेड़ की सबसे मुलायम सतह होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पेड़ की जो सबसे मुलायम सतह होती है वो कौन सी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डोंगरी भाषा संबंधित है, तो डोंगरी भाषा ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? महबूबा मुफ्ती। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। डोंगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2004 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के परिवार में मध्यवर्ती पहाड़ी पट्टी की जन भाषाओं में डोंगरी, चमियाली, मड़वाली या मडयाली या बिलासपुरी, बांगड़ी आदि उल्लेखनीय है। डोंगरी इस विशाल परिवार में कई कारणों से विशिष्ट जनभाषा है। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह दूसरी बोलियों की अपेक्षा इसके बोलने वालों की संख्या विशेष रूप से अधिक है। दूसरी यह है कि इस परिवार में केवल डोंगरी ही साहित्यिक रूप से गतिशील और संपन्न है। डोंगरी की तीसरी विशेषता यह भी है कि एक समय यह भाषा कश्मीर रियासत तथा चंबा राज्य में राजकीय प्रशासन के अंदरूनी व्यवहार का माध्यम रह चुकी है। इसी भाषा के संदर्भ में इसके बोलने वाले डोंगरे कहलाते हैं तथा डोंगरी के भाषाई क्षेत्र को सामान्यतः डोंगर कहा जाता है। यह आपका सिनोनियम्स पूछा गया कि टैकेट का सिनोनियम्स क्या होगा? इसका मतलब होता है समझना यानी अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावाई। अब श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रम सिंह। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोट। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड 2019 किससे मिला? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2019 अवार्ड श्याम शरण को मिला। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता कब गई थी? तो ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता 1857 ईस्वी में गई थी। ब्रिटिश एकातंत्र अथवा ब्रिटिश राजतंत्र अंग्रेजी में ब्रिटिश मिनिस्ट्री, ब्रिटिश मॉनार्की, ब्रिटिश उच्चारण ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटिश एकाधिकार को यूनाइटेड किंगडम समेत कुल 15 राष्ट्रमंडल प्रदेशों में मुकुटिया निर्माताओं और समुद्र पार प्रदेशों के राज मुक्टों सत्ताधारक एक राज्य स्वरूप होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता विद्यमान शासक 6 फरवरी 1942 से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जब उन्होंने अपने माता पिता जॉर्ज सिस्टम से राजगद्दी उत्तराधिकृत की थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि झिझिया नृत्य है जो ये किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि झिझिया जो नृत्य है ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है।